पहले तो जानना चाहेंगे बनारस कैसा लगा आपको और कितने समय बाद आया? मैं पहली बार 2019 में आया था, उसके बाद ये दूसरी बार इतने सालों के बाद आया। कैसा लगा बनारस? बनारस अभी मैं किसी को बोल रहा था कि कैसा लगा बनारस, तो मैंने ये कहा कि बनारस में बसने का मन करता है, इतना खूबसूरत इतना अच्छा लगता है। आप 2019 में आए थे और लगातार यहाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा डेवलपमेंट हो रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए तो तब में अब में क्या अंतर पाए? 2019 और 20 अभी 19 के बाद जो गैप रहा उसके बाद अभी हम 2023 में आए, तो अभी जिस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है दर्शन का वो काफी काफी अच्छा है, काफी आनंदमय है, काफी लोग आराम से जाते हैं, स्पेस है, जगह है और आप आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा बनारस जो है वो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से यहाँ पे आप सबको हम सबको वेलकम कर रहे हैं। जी मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपको वाराणसी, आप कब आए, आपको कितने लंबे टाइम बाद आए हो वाराणसी आप, और कैसा अनुभव है वाराणसी को लेकर? बचपन में मैं बहुत बार वाराणसी आ चुकी हूँ, मेरी नानी का घर हुआ करता था यहाँ पे, तो मैं वाराणसी कई बार आई हूँ बचपन में, और उस टाइम पे बिल्कुल अलग होता था, लेकिन जब 3 साल पहले आई थी 2019 में, मतलब कई सालों के बाद, तो मुझे बिल्कुल अलग लगा, मतलब काफी एक्चुअली टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग हो गए, जैसे बाबा विश्वनाथ को आप चुके और बचपन में करती थी, और सब कुछ उन्होंने सेम ही कहा, लेकिन इस बार आके एकदम से वाराणसी का, मतलब बनारस का अलग ही मुझे देखने को मिला, सो मच मोर स्पेशियस, सो मच मोर नीट एंड होम, और मतलब स्पेशली बाबा विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि बाबा विश्वनाथ और उसी के लिए भी लोग आते हैं, तो वहाँ पे इतना अच्छा सड़क हो गया है, और मतलब देखने एकदम पहचान भी नहीं आ रहा था, पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड फॉर सम रीजन आज वापस से भगवान को छूके उन्होंने आदि मंदिर पूजा किया और बिल्कुल बचपन की यादें ताज़ा हो गई, और फिर यहाँ पे आए गंगा घाट, यहाँ पे गंगा आरती देखने, लेकिन इस बार
अलग एक्सपीरियंस और मूवी अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अमेजिंग। और मैं ये देख रही थी छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर आए थे, ऑब्वियसली गर्मी किसी का कंट्रोल नहीं है, पसीना सबको आ रहा था, कुछ भी आ रहा है, पर इस तरीके से बच्चों को लेकर आ सकते, मतलब एकदम वो ऑर्गेनाइज।